हेलो फ्रेंड्स, भारत के भूगोल में अभी हम बात करेंगे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। तो इससे जो जुड़ी जानकारियां हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जामों में। तो आपको ये जानकारी का ध्यान रखना है और याद भी कर लेनी है जो भी जानकारियाँ होंगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जानकारियाँ क्या क्या हैं। इससे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के भारत के भूगोल को देख सकते हैं। वहाँ पर इसके बारे में, इसकी स्थिति जो क्या है भारत की, उसके बारे में बताया हुआ है। साथ ही साथ इसका जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक, इसके बारे में पूरे अच्छे से बताया गया है। तो आपको वो वीडियो देख लेना है ताकि इसको समझने के लिए और आसानी हो। दोस्तों, पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो है काल्पनिक हैं, उनको खींचा गया है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं उसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। साथ ही साथ उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तरी ध्रुव से होते हुए दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं उसको देशांतर रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी में मुख्यतः जो है तीन अक्षांश रेखाओं के बारे में ही जानकारी को ध्यान में रखना है। तो तीन अक्षांश रेखाएं जो है वह है 0 डिग्री, दूसरा है 23.5 डिग्री नॉर्थ और तीसरा है 23.5 डिग्री साउथ। और इसमें से 0 डिग्री जो होता है वह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यह भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आपको वो जानकारी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ के बारे में, और यह अपने देश भारत से होकर के गुजरती है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं मैप में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को कहते हैं कर्क रेखा, यानी इसी को इंग्लिश में कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह भारत से होकर के गुजरती है और भारत को यह लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है या काटती है, तो जिससे भारत का दो भाग हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो अब हम देख रहे हैं कि यह जो है कर्क रेखा वह भारत के राज्यों से होकर के भी गुजरती है। यानी कि कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, या कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको जानकारी ध्यान रखना है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से बताता हूँ आपको यहाँ पर कि कर्क रेखा भारत के आठ राज्यों से होकर के गुजरती है, आठ राज्यों से होकर के गुजरती है। और इसके बारे में आपको बहुत जगहों पर ट्रिक मिल जाएगी, तो वो ट्रिक भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में इसको अगर आप लोग मैप से अच्छे तरीके से देख लेंगे तो ये भी आपको ध्यान में रह जाएगा। तो भारत के जो है आठ राज्य हैं उससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब हम लोग बात करते हैं पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर, पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर इसको देखते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर जो राज्य है उसको देखेंगे। तो पहला है हमारा गुजरात राज्य, गुजरात। इसको अगर आप लोग मैप में देखोगे तो जो राज्य हैं उनकी जो स्थिति है, उनका जो आकार है, आकृति है, उसको अगर देखेंगे तो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो पहला जो राज्य है हमारा इधर से जाने से गुजरात है। उसके बाद राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा कर्क रेखा पर लगती है, यानी कि गुजरात के बाद में राजस्थान। फिर पूर्व की ओर जाएंगे तो हमें मिलेगा मध्य प्रदेश, जो कि भारत के बीचों बीच में स्थित है। तो मध्य प्रदेश से होकर के भी कर्क रेखा गुजरती है। उससे थोड़ा सा इधर जाएंगे पूर्व की ओर तो हमें मिल जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य। उसके पूर्व में जाएंगे तो झारखंड, उसके पूर्व में जाएंगे तो पश्चिम बंगाल। फिर उसके पूर्व में जाएंगे तो हमें मिलेगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। फिर उसके भी पूर्व में जाएंगे तो मिल जाएगा मिजोरम। तो यह हो गया हमारा
पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर के राज्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यह हो गया जब पश्चिम से पूर्व की ओर कहा जाए। यही अगर हमें पूर्व से पश्चिम की ओर कहेगा तो हमको इस प्रकार से जाना है, इस प्रकार से हम लोग वापस आएंगे तो हमें मिल जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यह हो गया जब हम लोग जाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, क्योंकि एग्जाम में इसको एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर या तो फिर पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में और जानकारी यह है कि झारखंड राज्य की जो राजधानी है वह पूरी तरीके से कर्क रेखा पर स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है कि निम्न में से कौन सा राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो उसका उत्तर हो जाएगा हमारा झारखंड की राजधानी रांची। तो उसको भी मैं बता देता हूँ आपको, वो भी इम्पोर्टेंट है। झारखंड की राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है, यह भी इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों इसके बारे में और जानकारी यह है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा की लंबाई कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है और कौन से राज्य में सबसे कम है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यह चीज मैं आपको बता देता हूं। तो कर्क रेखा की जो लंबाई है, कर्क रेखा की लंबाई तो सबसे कम है वह है राजस्थान राज्य में, राजस्थान में, और सबसे ज्यादा वह है मध्य प्रदेश में। तो आपको यह भी दोनों जानकारी को भी ध्यान में रखना है कि कर्क रेखा की जो लंबाई वह सबसे कम है राजस्थान राज्य में और सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, और झारखंड की राजधानी रांची जो है वह कर्क रेखा पर स्थित है। तो आपको इतनी जानकारी को ध्यान में रखना है कर्क रेखा से। और टोटल कितने राज्य हैं, यह तो है टोटल 8 राज्य, यानी कि 8 स्टेट्स जो हैं वह कर्क रेखा से लगे हुए हैं, यानी कि कर्क रेखा से होकर के ये राज्य सटे हुए हैं। तो आपको ये भी जानकारी को ध्यान में रखना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कर्क रेखा के बारे में पूरी जानकारी, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब बात करते हैं भारतीय मानक समय के बारे में, और यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर के यह भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो यह जानकारी को ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों इसको जानने से पहले हमें यह जानना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को पूरे विश्व के लिए मानक समय रेखा कहा गया है, और यह जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वह इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है, और ग्रीनविच वेधशाला को ही इसका स्थान माना गया है। तो यह मैं आपको बता देता हूँ कि 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर के गुजरती है, और यह पूरे विश्व का मानक समय रेखा है यह 0 डिग्री देशांतर, और पूरे विश्व को 24 समय जोन में बांटा गया है, यानी कि पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। जैसे ही हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब की ओर चलते हैं तो हमें भारतीय मानक समय रेखा भी प्राप्त होती है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं। तो इसको भी मैं लिख देता हूं, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, पूर्वी देशांतर को माना गया है, और यह जो है वह उत्तर प्रदेश के
इलाहाबाद के नैनी या तो फिर मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, से होकर गुजरती है। अगर हम देखते हैं खास जगह की बात करते हैं कि यह कौन सा जगह से होकर गुजरती है, तो वह हो जाता है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ऑप्शन में नैनी रहेगा तो नैनी को मारना है, और अगर मिर्जापुर रहेगा तो मिर्जापुर को, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको नैनी मिलता है बुक्स में और कहीं कहीं पर आपको मिर्जापुर मिलता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नैनी या तो फिर मिर्जापुर, दोनों में से जो भी रहेगा उसी को आंसर करना है। तो भारत का मानक समय रेखा जो है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, यह जो है भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। यह जो है टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर से अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले मिलेगा उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर लास्ट में आए आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से 5 राज्य हैं जो कि हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं। तो इसको भी मैं लिख देता हूं कि भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये जो राज्य हैं उसको हम लोग देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि इस प्रकार से देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। आपको ये जानकर ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आप अगर मैप में देखेंगे इसकी लोकेशंस राज्यों की तो आपको ये आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों यह जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वह कितना आगे है, तो इसको भी मैं इधर लिख देता हूं कि भारतीय मानक समय विश्व के मानक समय से, विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। यह भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। और साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। दोस्तों यह उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होता है। वहीं अगर हम लोग देखेंगे इसको इस प्रकार से, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर, तो हमें मिलेगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि इसको ऊपर से नीचे की ओर सजाना या तो फिर नीचे से ऊपर की ओर सजाना, तो फिर भी आपको 5 ही आंसर करना है 5 राज्यों में, तो इसका खाली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा कि 5.5 घंटा आगे है भारतीय मानक समय विश्व के मानक समय से। अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो उस समय भारत में कितने बज रहे होंगे, तो उस समय भारत के बज रहे होंगे 5:30 शाम के। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि जितना भी लंदन में टाइम बजेगा वहाँ से 5.5 घंटा ऐड कर लेंगे तो आपको यह आंसर मिल जाएगा कि भारत में कितना बज रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ को और जानना है, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप मैप में देख रहे हैं कि ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और यह जो कर्क रेखा है वह एक दूसरे को आपस में काट रही है, यहाँ पर आप लोग मैप में देख ही रहे हैं। तो यह कौन से राज्य में काटती है,
यह भी ध्यान रखना है। तो यह जो कटान बिंदु है, यह जो काट रही है एक दूसरे को आपस में, यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को काटती है, यह इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी मैं लिख देता हूं कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती हैं या काटती हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को काटती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कर्क रेखा के बारे में जानकारी और देशांतर रेखा जो है 82.5 डिग्री, भारतीय मानक समय रेखा उसके बारे में जानकारी, इसमें कौन कौन से राज्य लगे हुए थे इसको भी देखा, और साथ ही साथ इनका जो कटान बिंदु हुआ कहाँ पर है ये भी देख लिया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से जितनी भी जुड़ी जानकारी थी वह मैंने लगभग आपको बता दिया है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।